Hello students, I welcome to you all in this session. So today we are going to discuss class 11 chapter The Summer of the Beautiful White Horse written by William Saroyan. So before we start this chapter, once you allowed English duniya mein aaye hain to kuch seekh ke jana hai bahari duniya mein agar aapko safalta pana hai. So let's start this video and read this chapter. So please like, share and subscribe to my channel. So let's start. One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence. अब यहाँ पे देखिए दो कैरेक्टर हैं, एक का नाम है मुराद और एक का नाम है अरम. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम, एक का नाम है अरम और एक का नाम है मुराद. तो यहाँ पे अरम अपनी बात कह रहा है कि वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, तब की बात है जब दिन बहुत ही अच्छे हुआ करते थे. आई वॉज 9 और अरम उस वक्त 9 साल के थे. एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, और दुनिया काफ़ी अच्छी हुआ करती थी उस टाइम पे. एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, जीवन जो था एक सपने के समान और बहुत ही आनंद से भरा हुआ था. माई कज़िन मुराद, उस दिन उनका जो कज़िन है यानी कि अरम का कज़िन कौन है, मुराद अरम का एक कज़िन ब्रदर है. तो इनका जो कज़िन मुराद है वो वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी वो न्यू हिम एक्सेप्ट मी, सभी लोग उसको क्रेजी मानते हैं, सभी लोग उसको पागल समझते हैं, जो भी उसको जानता है वो सभी उसको पागल समझते हैं केवल अरम को छोड़ करके. अरम उनको पागल नहीं मानते हैं, बाकी सभी उसको पागल मानते हैं. केम टू माई हाउस एट 4 इन द मॉर्निंग, सुबह के 4 बजे मुराद जो है अरम के घर जाता है. एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और विंडो जो रूम की विंडो है उस विंडो पर खटखटा करके जगा देता है मुझे. अरम ही सैट, वो मुझे आवाज़ लगाता है, अरम आई जम्प्ट आउट ऑफ द बेड, उसकी आवाज़ सुन करके मैं तुरंत ही बेड से उठ जाता हूँ. एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो, और विंडो से बाहर झांक करके देखता हूँ. आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ, जो कुछ भी मैंने देखा वहाँ पर उसको देखने के बाद मुझे मेरी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था. ऐसा क्या देख लिया इन्होंने. इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर एंड विद अ डे ब्रेक, समर का मौसम था मीन्स गर्मियों का दिन था, और डे ब्रेक हो रहा था मतलब कि दिन निकलने ही वाला था, धीमे धीमे सूर्य की किरणें आ ही रही थी. नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट एनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, कुछ ही समय बाद कुछ ही मिनट्स बाद दिन हो जाता पूरी तरह से, और पर्याप्त मात्रा में लाइट थी, और जो कुछ भी मैंने देखा उससे ये पता चल रहा था कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि जो कुछ भी था वो रियलिटी में था, लेकिन इनको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था ऐसा कुछ इन्होंने देखा. क्या देखा इन्होंने, माई कज़िन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, इन्होंने देखा कि इनका जो कज़िन मुराद है वो एक ब्यूटीफुल वाइट कलर के हॉर्स पे बैठा हुआ है. आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने अपना हेड को खिड़की से बाहर निकाला. एंड रब्ड माई आइस, जब मैंने झांक के देखा तो मैंने अपनी आंखों को एक बार रब्ड किया मीन्स आंखों को रगड़ा, क्योंकि इनको लग रहा था कि कहीं ये नींद में तो नहीं है या कहीं ये सपना तो नहीं देख रहे हैं. यस ही सैड इन अर्मेनियन, तो इनके भाई ने कहा अर्मेनियन में, यस इट्स अ हॉर्स, हाँ ये घोड़ा ही है. यू आर नॉट ड्रीमिंग, और तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो. मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, और अगर तुमको हॉर्स राइडिंग करनी है तो जल्दी करो. आई न्यू माई कज़िन मुराद इंजॉयड बींग अलाइव मोर देन एनी बडी एल्स वू हैड एवर फॉलन इन टू द वर्ल्ड बाई मिस्टेक, मैं अपने भाई मुराद को जानता हूँ, जो मुराद है वो अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से इंजॉय करता है, बाकी सभी लोगों की अपेक्षा वो अपने लाइफ के हर एक मोमेंट को अच्छे से इंजॉय करना जानता है. बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये जो कुछ भी था उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ये उससे भी अधिक कुछ था. इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बिन मेमोरीज ऑफ हॉर्स एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बिन लॉन्गिंग्स टू राइड, इनकी जो सबसे पहली इच्छा थी वो क्या थी, हॉर्स राइडिंग की, और सबसे अर्लीस्ट मेमोरी इनकी किस चीज़ की है, वो हॉर्स की है. दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये इनकी लाइफ का सबसे वंडरफुल पार्ट होगा जब ये हॉर्स राइडिंग करेंगे. इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, लेकिन फिर भी इनको क्यों अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि ये लोग बहुत ही पुअर हैं. दिस वॉज द पार्ट That would not permit me to believe what I saw. और अपनी पॉवर्टी की वजह से जो कुछ भी ये देख रहे हैं उस पर वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये लोग इतने पुअर हैं कि ये लोग हॉर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, मीन्स ये हॉर्स को ख़रीद नहीं सकते हैं, और ना ही तो इनकी फैमिली में किसी के पास हॉर्स है, क्योंकि सभी लोग फैमिली के, इनकी ट्राइब के जितने भी लोग हैं सभी बहुत पुअर हैं. वी वर पुअर, हम सभी पुअर हैं.
वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं है. आर वूल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन, इनकी जितनी भी ट्राइब है वो सभी गरीब हैं. इवन ब्रांच ऑफ द गर्गोलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड. अब ये लोग कौन सी ट्राइब को बिलोंग करते हैं? गर्गोलियन फैमिली को बिलोंग करते हैं. और इनकी जितनी भी गर्गोलियन ट्राइब है वो सभी एक बड़ी फनी कॉमिकल पॉवर्टी से गुजर रहे हैं. नो बडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी एनफ टू कीप अस विद फूड इन आर बेलीज. कोई समझ नहीं पाता कि हमारे पास इवन खाना खाने के लिए जो पैसा आता है, अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए जो पैसा आता है, वो कहाँ से आता है. ये भी एक आश्चर्य की बात है. नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी फैमिली का वो क्या है? हमारी ईमानदारी. मीन्स गर्गोलियन ट्राइब जो है वो अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती है. वो कभी किसी के साथ ना तो चीट करती है, ना ही तो कोई भी गर्गोलियन ट्राइब का व्यक्ति किसी को कभी कोई धोखा देता है. वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, लगभग 11वीं शताब्दी से. अभी 21st सेंचुरी चल रही है, लेकिन 11 सेंचुरी, लगभग हजार साल हो चुके हैं, ठीक है, लगभग 1000 ईयर्स हो चुके हैं. तब से लेकर अब तक ये लोग अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं. इवन वेन वी हैड बीन द वेल्थीएस्ट फैमिली इन वॉट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड. एक समय ऐसा भी था जब ये लोग बहुत अमीर हुआ करते थे. वी वर प्राउड फर्स्ट, सबसे पहले हम अपने ऊपर गर्व करते हैं. ऑनेस्ट नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग बहुत ईमानदार हैं. एंड आफ्टर डैथ वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, जो सही है उसको हम सही मानते हैं, जो गलत है उसको गलत मानते हैं. नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड लेट अलोन स्टील. हम लोग कभी किसी की मजबूरियों का फ़ायदा नहीं उठाते. जो गर्गोलियन ट्राइब है वो कभी किसी की मजबूरियों का फ़ायदा नहीं उठाती है, ना ही तो अकेले में देख करके कभी किसी की चोरी करती है. Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I could not believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of other member of our family. अब ये कह रहे हैं कि जबकि ये अपनी आँखों से उस हॉर्स को देख रहे हैं, देख करके वो काफ़ी मैग्निफिशियंट लग रहा है इनको, और उसको स्मेल भी कर सकते हैं, बहुत ही लवली है, उसको सुन सकते हैं, उसकी ब्रीथिंग को सुन सकते हैं, बहुत ही एक्साइटिंग है ये सब सुन करके, लेकिन फिर भी वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके कज़िन मुराद के पास ना तो इनके कज़िन मुराद का, ना ही तो इनके किसी भी फैमिली मेम्बर का उस हॉर्स से कोई लेना देना है. ये लोग इतने गरीब हैं, उसको खरीद नहीं सकते हैं. अस्लीप और अवेक, बिकॉज आई नो माई कज़िन मुराद कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स. मैं जानता हूँ कि जो मेरा कज़िन मुराद है वो हॉर्स को नहीं खरीद सकता, उसके पास इतना पैसा नहीं है. एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बॉट इट मस्ट हैव स्टोलन इट, और अगर उसने उसको ख़रीदा नहीं है तो इसका मतलब एक ही बात है कि उसने उसको चुराया है. एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और लेकिन मैं इस बात को भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि उसने इसको चुराया है, क्योंकि गर्गोलियन ट्राइब कभी किसी की चोरी नहीं करते हैं. वो लोग अपनी ईमानदारी के लिए फेमस हैं, इसलिए इसको ये भी नहीं विश्वास हो रहा है कि मुराद ने इसको चुराया है. अब ये काफ़ी दुविधा में है. जो कुछ भी है अपनी आँखों के सामने हॉर्स को देख रहा है तो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर मुराद के पास ये हॉर्स कहाँ से आया. नो मेम्बर ऑफ द गर्गोलियन फैमिली कुड बी अ थीफ. गर्गोलियन फैमिली का कोई भी सदस्य कभी कोई चोर नहीं हो सकता. आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़िन एंड देन एट द हॉर्स. मैं पहले तो अपने कज़िन को देखता हूँ घूर के, उसके बाद उस हॉर्स को देखता हूँ. देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर हैंड फ्राइटेंड मी. तो जब उसको मैं देख रहा हूँ तो एक अजीब ही भाव आ रहा है. एक तरफ तो उन सबको देख करके एक्साइटेड हो रहे हैं, क्योंकि जो अरम है इनको हॉर्स राइडिंग और हॉर्स बहुत पसंद है, लेकिन दूसरी तरफ इनको डर लग रहा है कि आखिर ये हॉर्स इनके पास आया कहाँ से. मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स. तो मैंने अपने भाई मुराद से कहा कि तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया. लीप आउट द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड. तो मुराद कहता है कि अगर तुमको राइड करना है तो तुम विंडो से कूद करके आ जाओ. इट वॉज ट्रू, देन ही हैड स्टोल इन द हॉर्स. अभी उसकी बातों से ऐसा क्लियर हो गया कि उसने इस हॉर्स को कहीं से चुराया है. देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इसमें कोई संदेह नहीं है. ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, और वो मुझे इन्वाइट करने के लिए आया है. अगर मैं चाहूँ तो राइड कर सकता हूँ, चाहूँ तो ना करूँ.
Well, it seems to me stealing a horse for a ride was not the same thing of stealing something else. अब जब मैं उस हॉर्स को देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि राइड करने के लिए हॉर्स की चोरी करना बाकी चोरी करने से अलग है. ये उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना कि अदर किसी के पैसे चुरा लेना या किसी के सामान चुरा लेना और उसको बेच देना, उससे पैसे ले लेना, तो ये गलत है. लेकिन हॉर्स को राइड करना कुछ समय के लिए, उसके बाद उसको वापस कर देना, ये इनको गलत नहीं लग रहा है. तो कह रहे हैं सच एज मनी फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट. अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत पागल हो, आप उस चीज़ को बहुत इंटेंशनली करना चाहते हो. हॉर्सेज द वे माई कज़िन मुराद एंड आई वो, और इनका जो भाई मुराद है और ये दोनों ही लोग हॉर्स को लेकर के बहुत ही क्रेजी हैं. इट वॉज नॉट स्टीलिंग, तो इसको चोरी नहीं कहा जाएगा. इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, और ये तब तक के लिए चोरी नहीं कही जाएगी जब तक हम इस हॉर्स को बेच नहीं देते. विच ऑफ़ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और हम जानते हैं कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, उस हॉर्स को हम कभी नहीं बेचेंगे. लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स आई सेड, तो मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ कपड़े पहन लेने दो. ऑल राइट ही सेड बट हरी, उसने कहा ठीक है लेकिन जल्दी करो. आई लीप्ड इन टू माई क्लॉथ्स, मैं जल्दी से अपने कपड़े पहनता हूँ. आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, और विंडो से आंगन में कूद जाता हूँ. एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़िन मुराद, और मुराद के पीछे मैं उस घोड़े पर बैठ जाता हूँ. दैट ईयर वी लीव्ड एट द एज ऑफ टाउन, उस साल हम, मतलब मुराद और अरम दोनों ही टाउन के बिल्कुल किनारे पर रहते थे. ऑन वॉलनट एवेन्यू, जिस जगह पर रहते थे उस जगह का नाम था वॉलनट एवेन्यू. बिहाइंड आर हाउस वॉज द काउंट्री वाइनयार्ड्स, काउंट्री वाइनयार्ड्स मतलब विलेज साइड वाइनयार्ड्स थी, ऑर्कर्ड्स था, इरीगेशन डिचेस थे. इरीगेशन डिचेस मतलब, और ये तो हो गया बगीचा, इरिगेशन डिचेस जो होती हैं, जो पॉन्ड होते हैं छोटे छोटे सिंचाई के लिए, खेतों में गड्ढे खोद करके पानी इकट्ठा किया जाता है, तो उसको कहेंगे इरिगेशन डिचेस. एंड काउंट्री रोड्स, और जो काउंट्री साइड की जो रोड्स होती हैं वो थी, मतलब कि कच्ची सड़कें थी. इन लेस दैन 3 मिनट्स वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, 3 मिनट बाद हम लोग कहाँ पहुँच गए, एक दूसरी जगह पहुँच गए जिसका नाम था ऑलिव एवेन्यू. एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, उसके बाद जो हॉर्स है वो ट्रॉट करने लग गया. हॉर्स जब चलता है तो आप लोगों ने सुना होगा कि उसकी एक अलग ही आवाज़ आती है, त्रिक त्रिक करके, मतलब ऐसे चलने की, तो वैसी ही कुछ आवाज़ आती है. द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, जो हवा थी वो बहुत ही ताजी और फ्रेश थी सांस लेने के लिए. द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और हॉर्स के रनिंग की जो फील आ रही थी वो बहुत ही अच्छी थी. My cousin Murad, who was considered one of the craziest member of our family, जो मेरा कज़िन मुराद है जिसको हमारी फैमिली में craziest member में से एक माना जाता है, began to sing, वो अचानक से गाना लगाने लगा. I mean he began to roar, मेरा कहने का मतलब है वो दहाड़ने लगा. Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak of in our tribe. अब अच्छा एक यहाँ पे बात समझिएगा, ये जो गार्गोलियन ट्राइब है इसमें एक विशेषता है, इस ट्राइब में हर फैमिली में से जनरेशन बाय जनरेशन एक मेंबर जो होता है वो क्रेजी होता है, पागल होता है. और मेरा जो भाई मुराद है वो उसी डिसेंट में, मतलब उसी नेचुरल डिसेंट में आता है. मतलब हर फैमिली का जनरेशन का एक मेंबर मैड होता है, और इस बार जो मैड आदमी है वो कौन है, मुराद है. बिफोर हिम वॉज आर अंकल खुसरो, और इससे पहले की जनरेशन में कौन मैट था, इनके एक अंकल हैं, उनका नाम है अंकल खुसरो, वो मैट थे. एन इनर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, उनका बड़ा ही पावरफुल हेड है, ब्लैक हेयर हैं. एंड लार्जेस्ट मुस्टैचे इन सैन जोकिन वैली, उस पूरी वैली में सबसे ज़्यादा लंबी मूछे थी अंकल खुसरो के. अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, जो अंकल खुसरो थे वो, उनका जो टेम्पर था, उनका जो नेचर था वो बहुत ही गुस्से वाला था, बहुत ही मतलब बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते थे, बहुत ही गुस्सेहिल थे. सो इरिटेबल सो इम्पेशियंस दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग, बहुत ही जल्दी धैर्य खो देते थे और किसी को भी बात करने से रोक देते थे. और क्या कहते थे, जोर जोर से चिल्लाने लगते थे. इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, इन शब्दों को ध्यान रखना. ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पे, जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट तक आपको काम आने वाला है. इट इज़ नो हार्म
पे नो अटेंशन टू इट. जब भी वो किसी से चिढ़ते थे तो वो बस इतना ही कहते थे, इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई हार्म नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं है, इसकी ओर ध्यान मत दो. अब भले ही कितनी भी बड़ी घटना घट गई, लेकिन वो हमेशा यही बोलते रहते थे. दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनी बडी हैपन टू बी टॉकिंग. अब आदमी किस चीज़ से रिलेटेड बात कर रहा है, उनके लिए इन सब बातों का कोई मैटर नहीं था. वंस इट वॉज हिज ओन सन, एक बार की बात है, जो अंकल खुसरो थे उनका बेटा था अरक, रनिंग 8 blocks टू द बार्बर शॉप. वो 8 blocks की दूरी से दौड़ता हुआ बार्बर शॉप यानी कि नाई की दुकान पर पहुँचा. वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मुस्तैचे ट्रिम्ड, जहाँ पर अंकल खुसरो अपनी मुस्तैचे ट्रिम करवा रहे थे. देयर हाउस वॉज ऑन फायर, उनके घर में आग लग गई थी, अंकल खुसरो के घर में आग लग गई थी. दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर, वो अपने चेयर पर बैठे हुए थे और रोड कर रहे थे. इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसकी ओर ध्यान मत दो. अरक बोल रहा है कि डैडी घर में आग लग गई है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, घर में आग लग गई है, इससे कोई नुकसान नहीं है, इसकी ओर ध्यान मत दो. वो हमेशा ऐसा ही बोला करते थे. द बार्बर सेड, तो जब नाई सुनता है तो कहता है, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, लड़का कह रहा है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है. सो खुसरो रोड, लेकिन खुसरो फिर चिल्लाते हैं, एनफ, इट्स नो हार्म, आई से, मैंने कहा ना इसमें कोई नुकसान नहीं है. माई कज़िन मुराद वॉज कंसीडर द नेचुरल डिसेंट ऑफ दिस मैन, तो अब सेकेंड अंकल की जनरेशन के बाद जो बच्चों की जो जनरेशन आई, उसमें इनके कज़िन मुराद जो हैं वो वैसे ही मैड हैं. आल्दो मुराद फादर वॉज जोरब, जबकि मुराद के जो फादर हैं वो जोरब हैं, वो अंकल खुसरो नहीं हैं. वो वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, और जोरब जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं अपनी लाइफ को लेकर के. दैट्स हाउ इट वॉज इन आर ट्राइब, हमारी ट्राइब में ऐसा ही होता है. ज़रूरी नहीं है कि जो मैडनेस है ये आपको आपके फादर से मिले, फैमिली में मतलब पूरी ट्राइब में किसी से भी ये मिल सकती है. अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लेश, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्पिरिट से भी वो अपने फादर के जैसा हो. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ The various kind of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. ये बड़ा ही अजीब टाइप का ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इनकी ट्राइब में, कि मान लीजिए आपके चाचा हैं या रिलेटिव कोई भी है, तो आप उससे भी ये मैडनेस की क्वालिटी, आप अपनी फैमिली में किसी से भी उस मैडनेस की क्वालिटी को ले सकते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है आपके फादर ही मैड हों. वी रोड एंड माई कज़िन मुराद सैंग, अब हम लोग हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं और मेरा कज़िन मुराद गाना गा रहा है. फॉर ऑल एनी बडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर, हम लोग काफ़ी आगे निकल आए हैं और हम लोग जानते हैं कि हम अभी भी गाँव में ही कहीं हैं, लेकिन किस जगह पर हैं वो इनको नहीं पता है. एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आर नेबर वी बिलोंग, तो अपनी नेबरिंग एरिया को ये छोड़ करके आगे आ गए हैं. We let the horse run as long as it felt like running. और हम लोग horse को run करने दे रहे हैं जितनी दूर वो run कर पा रहा है. At last my cousin Murad said, बाद में इनका cousin Murad कहता है, get down, नीचे उतर जाओ, I want to ride alone, क्योंकि अब मुझे अकेले ही horse riding करनी है. Will you let me ride alone, I ask, तो आरम पूछता है कि क्या तुम मुझे बाद में अकेले ride करने दोगे. That is up to the horse my cousin Murad said, get down, तो इनका cousin Murad कहता है कि ये तो घोड़े के ऊपर डिपेंड करता है, अगर घोड़ा तुमको अकेले राइड करने देता है तो कर लेना, लेकिन अभी नीचे उतर जाओ. द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, तो मैंने कहा कि हाँ घोड़ा मुझे भी राइड करने देगा. वी शैल सी, ही सेड, वो कहता है कि ठीक है देखते हैं. डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, अभी देखिएगा अंकल खुसरो एक लाइन बोलते थे, इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, लेकिन मुराद भी एक फेमस लाइन बोलता है और उसकी लाइन क्या है, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, मीन्स कोई भी एनिमल होता है तो कहता है आई हैव अ वे विथ डॉग, आई हैव अ वे विथ हॉर्स, इस टाइप से सबके साथ उसकी एक, इसका मतलब यह है कि उसका कहने का अर्थ है कि सारे एनिमल्स के साथ उसकी एक अलग ही ट्यूनिंग है. कुछ लोग होते हैं जो एनिमल्स की भाषा समझते हैं, प्लांट्स की भाषा समझते हैं, जिनकी एक नॉर्मल आदमी लैंग्वेज नहीं समझ पाता है, तो मुराद वैसा ही है, वो प्लांट्स की एनिमल्स की भाषा समझता है और वो जो एनिमल्स होते हैं वो उसे भी बहुत अच्छे से समझते हैं, मतलब वो अच्छे से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं. तो वही यहाँ पे मुराद कहता है कि मेरा घोड़ों के साथ अलग ही कनेक्शन है. वेल आई सेड, एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो, तो मैं भी कह देता हूँ कि अगर तुम्हारा है तो मेरा भी है. फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड, लेट अस होप सो, गेट डाउन, अभी उतर जाओ, तुम्हारी सेफ्टी के लिए उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा ही हो.
ऑल राइट आई सेड बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, लेकिन ठीक है मैं उतर जाता हूँ लेकिन ध्यान रखना तुम्हें मुझे भी अकेले हॉर्स राइडिंग करने को देना होगा। आई गॉट डाउन एंड माई कज़िन मुराद किक्ड हिज हील्स इन टू द हॉर्स। अब मैं नीचे उतर जाता हूँ और इनका जो कज़िन मुराद है वो हॉर्स पे एक किक करता है और कहता है वज़ीर रन द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स। हॉर्स अपने हाइंड लेग्स यानी कि पीछे के पैरों के सहारे खड़ा हो जाता है। स्नॉटेड एंड बर्स्ट इनटू अ फरी ऑफ स्पीड, बहुत ही जोरों की स्पीड पकड़ लेता है। दैट वाज द लवलीएस्ट पार्ट, और ये देख करके आरम को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हैं ऐसे बिल्कुल, और ये देख करके आरम को बहुत ही अच्छा लगता है। थिंग आई हैड एवर सीन माई कज़िन मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास। अब इनका जो कज़िन मुराद है वो पूरी ड्राई ग्रास में टू एन इरीगेशन डिच क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स। ड्राई ग्रास में जाता है, इरीगेशन डिचेस के पास जाता है और हर जगह पर राइड करता है। एंड 5 मिनट लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट, और 5 मिनट बाद जब वो वापस आता है तो वो पानी से वेट हो चुका था। द सन वॉज कमिंग अप, अब धीमे धीमे सूर्य भी निकलने वाला था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड आई सेट, अब मैंने कहा कि अब तो मेरी बारी है हॉर्स राइड करने की। माई कज़िन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, अब इनका जो भाई मुराद है वो हॉर्स से उतर जाता है। राइड ही सेट, कहता है ठीक है अब तुम राइड कर लो अकेले। आई लीप्स टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं जाकर के हॉर्स की पीठ पे बैठ जाता हूँ। एंड फॉर अ मोमेंट आई न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, अभी कुछ समय तक तो मेरे अंदर बहुत डर है। द हॉर्स डिड नॉट मूव, क्योंकि हॉर्स तो मूव ही नहीं कर रहा है। किक इन टू हिज मसल्स माई कज़िन मुराद सेट, इनका कज़िन मुराद कहता है कि उसके मसल्स पे किक करो। What are you waiting for? किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. सभी लोग जगे, उससे पहले हमको हॉर्स राइडिंग करके इसको कहीं जा कर के छिपा देना है। I kicked into the muscles of the horse. उसके बाद अरम उसकी मसल्स पे किक करता है। Once again it reared. फिर से हॉर्स एक बार रियर करता है and snorted. And then it began to run. उसके बाद दौड़ने लग जाता है। I did not know what to do. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। Instead of running across the field, horse field में खेतों में run करने की बजाय irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard. वो road से जाकर के vineyards में चला जाता है जहाँ पे अंगूर के पेड़ लगे हुए हैं। Of Dickran Halabian, एक व्यक्ति हैं, उनके खेतों में चला जाता है। Where it began to leap over vines, और वहाँ पर जाकर के वो vines के ऊपर उछलने लगता है। The horse leaped over 7 vines, लगभग 7 vines को leap कर जाता है, छलांग लगा जाता है। I fell, then it continued running, और मैं गिर जाता हूँ, horse कहीं भाग जाता है। My cousin Murad came running down to the road, अब इनका cousin Murad दौड़ता हुआ आता है और कहता है I am not worried about you, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। He shouted, we have got to get that horse, हमें किसी भी तरह से करके उस हॉर्स को ढूंढना है। You go this way and I will go this way, तुम इस रास्ते जाओ मैं इस रास्ते जाता हूँ, और दोनों ही लोग जा करके हॉर्स को ढूंढते हैं। If you come upon him, be kindly, I will be near, कहता है कि अगर तुमको हॉर्स मिल जाए तो उसके साथ बहुत ही प्यार से पेश आना, और मैं पास में ही हूँ, जल्दी आ जाऊँगा। I continued down the road and my cousin Murad went across the field. मैं रोड की ओर जाता हूँ, इनका कज़िन मुराद फील्ड की ओर जाता है, toward the irrigation ditches. It took him half an hour to find the horse. लगभग आधा घंटा लगता है इनको हॉर्स को ढूंढने में, and bring him back, उसके बाद वापस लाने में। All right, he said, jump on. ठीक है अब आओ, इस पर बैठ जाओ। The whole world is awake now. अब लगभग सभी लोग जग गए हैं। What will we do? I said. तो मैं कहता हूँ कि अब हम करेंगे क्या इस हॉर्स का। We, he said. We will either take him back or hide him until tomorrow morning. या तो हम इसको वापस दे देंगे या तो कल तक के लिए इसको छिपा देंगे। He did not sound worried and I knew he had hide him and not take him back. तो मैं वो जो था मुराद, उसकी साउंड सुनकर के लग रहा था कि वो बिल्कुल भी वरीड नहीं है, और मुझे समझ आ गया था कि ये वापस नहीं करने जा रहा है, ये उसको छिपाएगा जा कर के कहीं। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, अभी तो इसको कहीं जाने नहीं देगा। वेयर विल वी हाइड हिम आई सेट, तो मैं कहता हूँ कि इसको कहाँ छिपाएंगे। आई नो अ प्लेस ही सेट, तो कहता है मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ इसको हम छिपा सकते हैं। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील द हॉर्स आई सेट, तो मैंने कहा कि तुमने कितने दिन पहले इस हॉर्स को चुराया था। It suddenly dawned on me. तभी मुराद इनसे कहता है
that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. अब जो आरम है उनको लग रहा है कि मुराद ने यह हॉर्स काफ़ी दिनों पहले चुराया हुआ है, काफ़ी दिन से यह हॉर्स इनके पास है, आज वो मेरे पास आया है क्योंकि उसको पता था कि आरम को भी हॉर्स राइडिंग पसंद है, इसलिए वो आज मेरे पास आया था. वो सेट एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स ही सेट, तो मुराद कहता है तुमसे किसने कहा कि मैंने हॉर्स चोरी किया है. एनी हाउ आई सेट हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन टू राइडिंग एवरी मॉर्निंग. तो अब ये क्वेश्चन चेंज करते हैं आरम और कहते हैं कि मैं मेरा पूछने का मतलब है कि तुम कितने दिन से इस हॉर्स की राइडिंग कर रहे हो. नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेट, तो वो कहता है आज से पहले से नहीं, आज ही से कर रहा हूँ. आर यू टेलिंग द ट्रूथ आई सेट, तो मैंने कहा क्या तुम सच बोल रहे हो. ऑफ कोर्स नॉट ही सेट, बट इफ वी आर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू आर टू से, तो वो कहता है कि मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने हॉर्स को काफ़ी दिन पहले चुराया था, लेकिन अगर कोई हमें पकड़ लेता है तो तुम्हें ये नहीं कहना है कि मैंने ये हॉर्स काफ़ी दिन पहले लिया था, तुम्हें ये कहना है कि मुझे ये हॉर्स आज ही मिला. आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता कि सभी लोग हम दोनों को लायर्स समझें. ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, तुमको बस इतना ही कहना है कि हमने आज ही से इस हॉर्स को राइडिंग करना स्टार्ट किया है अगर हम लोग पकड़े जाते हैं तो. ऑल राइट आई सेड, तो मैं कहता हूँ ठीक है. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fetwasian. There were some oats and dry alfalfa in the barn. अब वहाँ पे लेकर जाता है, खाली पड़ा हुआ deserted vineyard है और उस vineyard में एक barn बना हुआ है. Barn मतलब एक तरह का क्या कह सकते हैं, animals के रखने की एक जगह होती है जहाँ पे आप animals को बांध सकते हो, साथ में खेत वेत से निकले हुए अनाज को भी आप वहाँ पे रख सकते हो. तो वैसी ही एक बार्न बनी हुई है जो कि एक किसान की है और उस किसान का नाम है फेटवाजियान, और वो इस समय खाली पड़ी रहती है और उसमें कुछ खाने के लिए ओट्स और अल्फा अल्फा भी हैं जो उस हॉर्स को खिलाया जा सकता है. वो ले जा कर के उस हॉर्स को वहीं बांध देता है. वी बिगिन वॉकिंग होम, अब हम लोग होम अपने अपने घर चले आते हैं. इट वॉज नॉट ईजी ही सेट टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, तभी मुराद कहता है कि हॉर्स इतनी नाइसली बिहेव करे ये इतना आसान नहीं है. एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, सबसे पहले तो ये हॉर्स जो था बहुत ही वाइल्डली रन करता था. बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा कि मैंने तुमको बताया, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, मेरा हॉर्स के साथ एक अलग ही कम्युनिकेशन है. आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट इट टू डू, हॉर्स अंडरस्टैंड मी, तो वो कहता है कि अब मैं जो चाहूँ ये हॉर्स वही करेगा, हॉर्स मुझे समझता है, ऐसा मुराद कहता है. आगे देखते हैं. हाउ डू यू डू इट आई सेट, तो मैंने पूछा कि तुम ये कैसे कर लेते हो. आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स ही सेट, तो वो कहता है कि मेरी हॉर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग है, मतलब कि हॉर्स मुझे समझता है और मैं हॉर्स को समझता हूँ. यस बट वट अ सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई सेट, तो आरम कहता है कि किस तरह की अंडरस्टैंडिंग. अ सिंपल एंड ऑनेस्ट, काफ़ी सिंपल और ऑनेस्ट यानी ईमानदार अंडरस्टैंडिंग है. वेल आई सेट आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक That with a horse. तो आरम कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि काश मेरी भी ऐसी ही अंडरस्टैंडिंग हो हॉर्सेस के साथ. यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, तभी आरम मुराद कहता है कि तुम अभी छोटे हो. ही सेट वेन यू गेट टू बी 13, जब तुम मेरे जितने 13 साल के हो जाओगे, यू विल नो हाउ टू डू इट, तो तुमको पता चल जाएगा कि हॉर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग कैसे बिठानी है. आरम 9 साल का है और मुराद 13 साल का है. I went home and ate a heavy breakfast. अब हम घर पहुँचते हैं और घर जाने के बाद मैं अच्छे से ब्रेकफास्ट करता हूँ. That afternoon my uncle Khusro came to our house. उस दोपहर हमारे अंकल खुसरो हमारे घर आए हुए थे. For coffee and cigarette, किस चीज़ के लिए आए थे, कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए. He sat in the parlor, और घर के पार्लर में बैठे हुए थे. पार्लर क्या है, एक छोटा सा ड्राइंग रूम जिसको हम कह सकते हैं, उसको कहेंगे पार्लर. Sipping and smoking and remembering the old country. Then another visitor arrived. अब वो बैठे हुए हैं, स्मोक कर रहे हैं, चाय पी चुस्कियाँ ले रहे हैं कॉफ़ी की, और याद कर रहे हैं अपने पुराने प्लेस को जहाँ पहले वो जिस गांव में रहा करते थे. तभी एक दूसरा विजिटर वहाँ पे आता है, अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो. जो दूसरा विजिटर आता है वो एक किसान है जिसका नाम है जॉन बायरो. एंड असेरियन, अब ये लोग कौन है, आर्मेनियन है,
और वो जो जॉन बायरो है वो कौन सी ट्राइब को बिलोंग करता है, वो असेरियन है। वो आउट ऑफ लोनलीनेस, अकेले होने की वजह ये वो इन लोगों से बातें करने के लिए चला आता है। हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन, अर्मेनियन से बातें करना सीख रहा है। माई मदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली ही सैड माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। अब मेरी मदर उस आए हुए विजिटर के लिए यानी कि जॉन बायरो के लिए सिगरेट लेकर के आती हैं और टोबैको रोल लेकर के आती हैं, कॉफ़ी लेकर के आती हैं। वो उन सबको खाता है और उसके बाद बहुत ही उदासी के साथ, काफ़ी उदास है और उदासी पूर्वक होकर के कहता है कि मेरा एक हॉर्स था जो कि पिछले महीने कहीं गुम गया। अब ये वही हॉर्स है जो कि मुराद के पास है। जो हॉर्स मुराद के पास है वो किसका है, जॉन बायरो का हॉर्स है जो कि मुराद ने जॉन बायरो के यहाँ से चुराया है। अब जॉन बैरो कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरा घोड़ा कहाँ चला गया है। माई अंकल खुसरो बिकम वेरी इरिटेटेड, अब अंकल खुसरो जैसा कि वो हमेशा करते थे वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। इट्स नो हार्म, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, इसमें कोई नुकसान नहीं है। हॉर्स का लॉस कैसा लॉस होता है, हैव नॉट वी ऑल लॉस द होमलैंड, हमने तो अपनी होमलैंड अपनी जहाँ हम रहते थे वो जगह खो दी, तुमने तो सिर्फ एक हॉर्स खोया है। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, एक हॉर्स के लिए क्या रोना। What may be all right for you, a city dweller, that may be all right for you, a city dweller, to say John Byrow said. But what of my Surrey? What good is a Surrey without a horse? तो John Byrow कहता है ये आपके लिए कहना आसान होगा, आप एक city dweller हो, लेकिन मेरे लिए इतना आसान नहीं है। अगर मेरे पास horse नहीं होगा तो मेरी जो Surrey है, means four wheeler जो लकड़ी की cart होती है बग्घी, तो वो बिना horse के किसी काम की नहीं है, मैं उसका क्या करूँगा। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, लेकिन अंकल खुसरो पहले के जैसे चिल्लाते हैं कि इसमें कोई हार्म नहीं है, इसकी ओर ध्यान मत दो। आई वॉक 10 miles टू गेट हेयर जॉन बायरो सेट, जॉन बायरो कहता है मुझे यहाँ आने के लिए 10 miles पैदल चलना पड़ा। यू हैव लेग्स माई अंकल खुसरो शाउटेड, अंकल खुसरो फिर चिल्लाते हैं कि भगवान ने तुमको पैर दिए हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर तुम 10 miles पैदल चल के आ गए हो। माई लेफ्ट लेग पेन मी द फार्मर सेट, तो किसान कहता है कि मेरा जो लेफ़्ट लेग है वो मुझे दर्द कर रहा है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, अंकल खुसरो फिर से कहते हैं कि उसकी ओर ध्यान मत दो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60 द फार्मर सेट, तो किसान कहता है कि वो हॉर्स जो था वो मुझे पूरे कितने $60 का मिला हुआ था। तो अंकल खुसरो कहते हैं आई स्पाइट ऑन मनी, मैं पैसों पर थूकता हूँ, मैं पैसे को कुछ भी नहीं समझता हूँ। माई अंकल खुसरो सेट He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. अब अंकल खुसरो की बातों को सुन करके जॉन बायरो वहाँ से उठता है और उठ करके दरवाजे को खोलता है और दरवाजे को खोल करके बाहर चला जाता है। स्क्रीन डोर मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कहीं कहीं पे दो दरवाजे लगे होते हैं, एक दरवाज़ा जो होता है वो पूरा लकड़ी का कवर होता है और एक या तो कांच का या तो फिर उसमें नेट जाली होती है लोहे की, उस टाइप से हवा आने के लिए लगवाया जाता है। ठीक है, तो पार्शियली डोर लॉक्ड भी होता है और साथ में हवा भी आती रहती है, उसको कहते हैं स्क्रीन डोर। उसको खोल करके वो बाहर चला जाता है। माई मदर एक्सप्लेन, तभी मेरी माँ मुझसे बताती हैं कि ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, कि अंकल खुसरो जो हैं हार्ट से बहुत अच्छे हैं। शी सेड इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होमसिक एंड सच अ लार्ज मैन, वो काफ़ी उनकी बॉडी जो है वो काफ़ी लार्ज है इसलिए वो इस तरह से बिहेव करते हैं और वो होमसिक हैं। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रन ओवर टू माई कज़िन मुराद्स हाउस, जैसे ही जॉन बायरो घर से बाहर जाता है मैं दौड़ता हुआ अपने भाई मुराद के पास जाता हूँ उसको बताने के लिए कि वो जो हॉर्स था वो जॉन बायरो का था और वो आज हमारे घर भी आया था। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, अब मुराद कहाँ पर बैठा हुआ है, एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ है। ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ट विंग्स ऑफ अ यंग रॉबिन, एक रॉबिन बर्ड है उसका एक पंख जो है उसमें चोट लगी हुई है और मुराद उसके पंख को ठीक करने की कोशिश कर रहा है और वो जो रॉबिन है वो उड़ नहीं सकता है क्योंकि उसके चोट लगी है। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और जो मुराद है वो उस बर्ड से बातें कर रहा है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि वो सारे एनिमल्स के साथ उसकी एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग है और वो एनिमल्स की भाषा समझता है, इसलिए वो बर्ड से बातें कर रहा है। वॉट इज़ इट ही सेट द फार्मर जॉन बायरो, अब जब मुराद अरम जाता है मुराद के पास तो मुराद कहता है कि ये क्या है,
तो मैं आरम कहता है कि जो जॉन बायरो है, आई सेड ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, उसको उसका घोड़ा वापस चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ, तुम लगभग एक महीने से उसको अपने पास रखे हो। आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अनटिल आई लर्न टू राइड। और फिर उसके बाद अरम कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उस घोड़े को तब तक वापस ना करो जब तक मैं हॉर्स राइडिंग नहीं सीख लेता। अब उसको तुम तभी वापस करोगे जब मैं भी हॉर्स राइडिंग सीख लूँगा। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न राइड, माई कज़िन मुराद सेड। तो मुराद कहता है कि तुमको हॉर्स राइडिंग सीखने में लगभग एक साल लग जाएगा। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। तो मैंने कहा तो ठीक है, हम लोग एक साल तक की हॉर्स को अपने पास रखेंगे। माई कज़िन मुराद लीप टू हिज फीट। तभी मुराद अपने पैरों पे उछलता है और कहता है व्हाट ही रोड। वो कहता है आर यू इनवाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गॉर्गोलियन फैमिली टू स्टील। क्या तुम कहना चाह रहे हो कि गॉर्गोलियन फैमिली का एक आदमी एक हॉर्स को एक साल तक की चोरी करके लिए रखे? ऐसा नहीं हो सकता। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ओनर, ट्रू ओनर। हॉर्स को अपने ओनर, अपने मालिक के पास जाना ही होगा। व्हेन आई सेड, तो मैं कहता हूँ कब जाएगा? इन सिक्स मंथ एट लास्ट, ही सेड। तो वो कहता है ठीक है, छः महीने तक उसको अपने पास रख लेंगे और छः महीने बाद उसको वापस कर देंगे। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर। ऐसा कहने के बाद वो बर्ड को एयर में उछाल देता है। द बर्ड ट्राइड हार्ड, बर्ड काफ़ी कोशिश करती है। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, लगभग दो बार गिरने वाली थी। बट एट लास्ट फ्लू अवे, लेकिन फाइनली वो उड़ जाती है। हाई एंड स्ट्रीट, काफ़ी ऊँचे आसमान में उड़ करके चली जाती है। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर टू वीक, लगभग दो हफ्ते तक हर सुबह मैं और मेरा कज़िन मुराद, हम दोनों ही आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न ऑफ द डिजर्टेड वाइनयार्ड वेयर वी वर हाइड इट एंड रोड इट। तो हम सभी उस वाइनयार्ड से जहाँ पर उसको छिपाते थे वहाँ से निकालते थे और निकाल करके हॉर्स राइडिंग करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वॉज माई टर्न टू राइड अलोन लिप्ड ओवर ग्रैप पॉइंट्स एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रन अवे। हर रोज़ जब मेरी बारी होती थी, मुराद तो अच्छे से हॉर्स राइडिंग कर लेता था, लेकिन जैसे ही मेरी बारी आती थी हॉर्स भाग जाता था, मुझे गिरा देता था और फिर से वो गुम हो जाता था। नेवर्थलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़िन मुराद रोड। और मैं सोचता था कि कब वो दिन आएगा जब मैं भी अपने हॉर्स, जो हॉर्स है, मैं अपने भाई मुराद की तरह उसको राइड कर पाऊँगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे ऑफ फेटवाजियांस डेजर्टेड वाइनयार्ड वी रन इन टू द फार्मर जॉन बायरो वो वॉज ऑन हिज वे टू टाउन। एक दिन की बात है जब हम लोग उस हॉर्स को छिपाने के लिए उस डेजर्टेड प्लेस पर जा रहे थे, तभी रास्ते में हमको कौन मिलता है? जॉन बायरो, यानी कि अरम और मुराद को रास्ते में जॉन बायरो मिलता है। और जॉन बायरो कहाँ जा रहा है? टाउन जा रहा है। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कज़िन मुराद सेड। तो मुराद कहता है मुझे बात करने दो। I have a way with farmers, किसानों से मेरी अलग ही बातचीत की ट्यूनिंग है। Good morning, John Byro. तो मुराद कहता है कि Good morning, John Byro. My cousin Murad said to the farmer studied the horse eagerly. फार्मर जैसे ही उस घोड़े को देखता है तो बहुत ही गौर से देख रहा है, क्योंकि वो उसी का घोड़ा है और वो उसको पहचानने की कोशिश कर रहा है। Good morning, son of my friends. तो जॉन बायरो कहता है कि गुड मॉर्निंग सन ऑफ माय फ्रेंड्स, ही सेड। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे हॉर्स का क्या नाम है? माय हर्ट, माय कज़िन मुराद सेड इन आर्मेनियन। आर्मेनियन लैंग्वेज में मुराद कहता है कि इसका नाम है माय हर्ट। अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो कहता है कि बहुत ही प्यारा नाम है फॉर अ लवली हॉर्स, और तुम्हारा जो घोड़ा है वो भी बहुत ही प्यारा है। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो। और मैं कसम खा सकता हूँ कि ये घोड़ा बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मेरा घोड़ा एक महीने पहले मेरे पास से चोरी हो गया था। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं एक बार इसके मुँह में देख सकता हूँ? ऑफकोर्स, मुराद सेड। तो मुराद कहता है बिल्कुल देख सकते हो। द फार्मर लुकड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, अ फार्मर उसके मुँह में देखता है। टूथ फॉर टूथ, एक एक दांत गिनता है। ही सेड आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स,
मैं कसम खा सकता हूँ कि ये घोड़ा मेरा है। इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ना जानता होता तो मैं पक्के से कह सकता था कि ये घोड़ा मेरा ही है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गार्गोलियन फैमिली अपनी ईमानदारी के लिए फेमस है, इसलिए जॉन बैरो की हिम्मत नहीं पड़ रही ये कहने की ये घोड़ा उसी का है, क्योंकि वो जानता है कि गार्गोलियन फैमिली का कोई भी मेम्बर कभी चोरी नहीं कर सकता। तो हो सकता है कि ये घोड़ा बिल्कुल उसके घोड़े के जैसे दिखता हो मगर वो ना हो, लेकिन अगर ये किसी और के पास होता तो वो पक्के से कह सकता था कि ये घोड़ा उसी का है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, येट द हॉर्स इज़ द ट्वाइन ऑफ माई हॉर्स। तो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारी फैमिली की ईमानदारी को, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है कि ये जो हॉर्स है वो उस हॉर्स का ट्विन हो सकता है, मीन्स उसका जुड़वा हो सकता है। अ सस्पिशियन मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। अब वो अपने हार्ट की जगह अपनी आइज पे बिलीव कर रहा है। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, उसके बाद गुड डे कह करके चला जाता है। गुड डे जॉन बायरो माई कज़िन मुराद सेड, तो मुराद भी कहता है गुड डे जॉन बायरो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज़ वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। अगली सुबह हम सभी ले जा कर के उस हॉर्स को वापस करने वाले थे जॉन बायरो के वाइनयार्ड में ले जा कर के बांधने वाले थे, मतलब उसका हॉर्स उसको फिर से वापस करने के लिए लोगों ने डिसाइड कर लिया फाइनली। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। अब हॉर्स जो डॉग्स हैं वहाँ पे, कुछ गली के जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो हमारा पीछा कर रहे थे। मुझे तो डर लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये डॉग्स हम पे भौंकने लग जाएं और सभी लोगों को पता चल जाए कि हम लोग हॉर्स को बांधने के लिए जा रहे हैं। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कज़िन मुराद, तो मैं अपने मुराद भाई से कहता हूँ कि कुत्ते पीछे आ रहे हैं। आई थॉट दे वुड बार्क, और मुझे लगा कि वो भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स ही सेड, तो इनका जो भाई मुराद है वो कहता है कि किसी दूसरे इंसान के ऊपर वो भौंक सकते हैं लेकिन हमारे ऊपर नहीं भौंकेंगे। आई हैव अ वे विद डॉग, मेरा डॉग्स के साथ एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग है। माई कज़िन मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स, वो हॉर्स को हक करता है। प्रेस हिज नोज इन टू द हॉर्स नोज, अपनी नोज़ को हॉर्स की नोज से प्रेस करता है, पैटेड इट, उसको थपथपाता है। एंड देन वी वेंट अवे, उसके बाद हम लोग वहाँ से चले आते हैं। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आर हाउस इन हिज सरी, उस दोपहर जब जॉन बायरो को उसका हॉर्स वापस मिल गया, वो अपनी सरी में उस हॉर्स को बांध करके हमारे घर आता है। शोड माई मदर द हॉर्स, और मेरी मदर को वो हॉर्स दिखाता और कहता है दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, कि मेरा जो ये घोड़ा है ये चोरी हो गया था, मुझे वापस मिल गया है। आई डू नॉट नो वट टू थिंक, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या सोचूँ। ही सेड द हॉर्स इज स्ट्रोंगर, क्योंकि उनका जो हॉर्स है वो पहले से ज़्यादा मजबूत स्ट्रांग हो गया है, मतलब इन लोगों ने बहुत अच्छे से उसकी देखभाल की है। देन एवर बेटर टेम्पर्ड, और जो हॉर्स था वो पहले उसका टेम्पर्ड बहुत ही गुस्सैल था। कुछ हॉर्स होते हैं ना, अपने ऊपर किसी को बैठने नहीं देते हैं और बहुत ही गुस्सैल होते हैं, लेकिन ये हॉर्स अब तो बहुत ही अच्छे से बिहेव करने लगा है, बहुत ही अच्छे टेम्पर का हो गया है, क्योंकि मुराद की हॉर्स के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए हॉर्स जो है वो अच्छा टेम्पर का हो गया है। आई थैंक गॉड माई अंकल खुसरो वो वॉज इन द पार्लर, अब वो कहता है कि मैं भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ। तभी जो अंकल खुसरो होते हैं जो कि पार्लर में बैठे हुए हैं, बिकम इरिटेटेड, वो फिर से गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाते हैं क्वाइट मैन क्वाइट, शांत हो जाओ, योर हॉर्स हैज़ बिन रिटर्न, तुमको तुम्हारा घोड़ा वापस मिल गया है, पे नो अटेंशन टू इट, इसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। और यहाँ से ये स्टोरी होती है एंड। तो आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स को ये स्टोरी बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं भी किसी भी लाइन में किसी भी तरह का डाउट है तो उसके लिए आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का, क्लास 11th की जितनी भी क्लासेस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके बाकी क्लास 11th की क्लासेस भी देख सकते हैं। क्लास 9, 10th, 11th, 12th की सारी क्लासेस हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, दोस्तों को ज्वाइन करवाइए, और साथ में टेलीग्राम का लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।